हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। सो यू जस्ट नेट री एग्जामिनेशन में टोटल कितने स्टूडेंट्स का फाइनल सिलेक्शन होगा नेट के लिए और कितने स्टूडेंट्स का फाइनल सिलेक्शन होगा जेआरएफ के लिए, ये आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड स्टूडेंट्स, आपके साथ जो भी इंफॉर्मेशन आज शेयर की जाएगी ये सारी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है जो कि एनटीए ने अपनी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में शेयर की है। तो आप सबके साथ मैं डिटेल में वो नोटिफिकेशन भी शेयर करूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे और कितने स्टूडेंट्स का किस कैटेगरी से सिलेक्शन किया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले री एग्जाम के रिजल्ट पर जाने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन का। अगर हम यूजीसी नेट दिसंबर 2023 एग्जाम की बात करें तो टोटल 58,794 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका नेट क्वालिफाई किया गया था। ये जेआरएफ की सिलेक्शन लिस्ट नहीं है, ये नेट की सिलेक्शन लिस्ट है। अब जो भी स्टूडेंट्स का एग्जाम क्वालिफाई होता है वो पूरी तरह से निर्भर करता है उस बात पर कि कितने बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है, और ये इंफॉर्मेशन एनटीए ने खुद जारी की है कि कितने स्टूडेंट्स ने जून 2024 का पेपर दिया था। अब देखिए, ये जो फाइनल सिलेक्शन होता है ना स्टूडेंट्स, पेपर टू तो सब बच्चे अपना पढ़ ही रहे हैं क्योंकि सबका ये सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर है और ऑलरेडी हम लोगों ने मास्टर्स डिग्री तक ये पढ़ा है। जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स पेपर वन में अच्छा स्कोर करके ही अपना जेआरएफ या नेट क्वालिफाई कर पाते हैं। तो आप लोग भी अगर दिसंबर 2024 या फिर जून 2025 एग्जामिनेशन में जेआरएफ को टारगेट कर रहे हो तो आप लोगों के लिए पेपर वन का कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ जिसका न्यू बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, एडमिशन अभी चल रही है। इसमें हम आपको रोज 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी देते हैं। एग्जाम का क्या लेवल है, अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से कैसे सवाल आते हैं, इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए और पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हुए ही आपको इस कोर्स में पढ़ाया जाएगा। साथ ही आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है जहां पर अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप अपने टीचर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड रिविजन के लिए है फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एंड 5,000+ एमसीक्यूज जिसमें सभी पीवाईक्यूज आपको आंसर्स और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ट्रिक्स के साथ मिल जाएंगे। तो ये दो व्हाट्सएप नंबर्स आपको दे रही हूँ, आप इन पर कॉन्टैक्ट करिए। 1 ईयर के लिए ये वैलिड रहेगा, यानी कि जून 2025 एग्जाम भी आप इसी कोर्स में से अपना तैयारी कर सकते हैं। साथ ही फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। जैसे ही आप कंटेंट पर जाएंगे तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश अलग अलग कोर्सेस हमारे सामने हैं। हर कोर्स में आपको यूनिट वाइज फोल्डर्स मिलते हैं जिससे आप कभी भी किसी भी यूनिट से तैयारी शुरू कर सकते हैं। हर यूनिट में देखिए आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, एमसीक्यूज क्लियर होंगे, टिप्स और ट्रिक्स बताई जाएंगी। पीडीएफ नोट्स के साथ साथ आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं उस पर्टिकुलर यूनिट के, ताकि आपकी रिविजन और भी बेहतर तरीके से हो सके। तो इसी के साथ फिर अब आगे डिस्कशन पर बढ़ते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, एनटीए की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि किस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए वो जून 2024 या फिर री एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो क्लियरली लिखा है स्टेप वन में द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी क्वालिफाइड फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि ये नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, शैल बी इक्वल टू 6% ऑफ द कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन नेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। इस बात का क्या मतलब है, तो ये बोल रहे हैं एग्जाम वाले दिन टोटल हर सब्जेक्ट हर कैटेगरी के मिला करके टोटल जितने भी बच्चे एग्जाम में अपियर हुए हैं, जितने भी बच्चों ने पेपर वन और पेपर टू दोनों में अटेंडेंस मार्क की है, उन स्टूडेंट्स का टॉप 6% स्टूडेंट जो होगा उनको फाइनल लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। ओके, अगर मान लीजिए आप टॉप 6% में आते हैं तो आपको नेट क्वालिफाइड माना जाएगा जेआरएफ के लिए। इसके बाद भी अलग से कट ऑफ जाती है, 1% स्टूडेंट्स का जेआरएफ में सिलेक्शन होता है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा इस एग्जामिनेशन में, री एग्जामिनेशन में। तो ये एक और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है जो कि एनटीए ने जारी की थी जून 2024 एग्जाम के लिए, जो कि 18 जून को हुआ था। उसमें एनटीए ने कहा था कि 11,21,225 स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए रजिस्टर हुए थे, ठीक है, एंड जिसमें से टोटल 9,08,580 स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन दिया था। तो अगर हम
जून 2024 के एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स का कंपैरिजन री एग्जाम के साथ करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में नहीं आया था। तो ऑलमोस्ट 9,08,000 बच्चों ने ही री एग्जामिनेशन भी दिया था, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे थे देखिए जिन्होंने री एग्जाम दिया था लेकिन 18 जून का पेपर मिस हो गया था, है ना। तो अगर हम अप्रोक्सीमेट नंबर मिलाएं तो लगभग 9,08,000 या 10,000 के आसपास के बच्चों ने ये पेपर दिया था। तो अगर हम इसका टॉप 6% निकालेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि अप्रोक्सीमेट 54,000 से लेकर के 55,000 तक स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको री एग्जामिनेशन में नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट में काउंट किया जाएगा। तो आप लोगों को ये चीज को ध्यान में रखना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही सवाल था काफी दिनों से कि कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो पहले से एनटीए ने कोई ऐसा फिक्स नहीं रखा है कि इतने बच्चों का सिलेक्शन होगा। जितने भी स्टूडेंट्स अपियर हुए हैं पेपर में उसका 6% निकालेंगे, जो टॉप के 6% होंगे उनका नेट में सिलेक्शन होगा, और इनमें भी जो 1% स्टूडेंट्स होंगे उनको जेआरएफ मिलेगा। ऑलराइट, अब एक और कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो सकता है कि मैम तो स्टेप 3 में ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि 40% लाने पर और जनरल कैटेगरी में 40% और रिजर्व कैटेगरी में 35% लाने पर सिलेक्शन होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक बेसिक पासिंग मार्क्स है, एक बेसिक पासिंग क्राइटेरिया है। जरूरी नहीं है कि 40% पर आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, जरूरी नहीं है कि 35% पर सिलेक्शन होगा ही होगा। डिपेंड करता है कि आपके सब्जेक्ट की कट ऑफ कितनी जा रही है, आपकी कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जा रही है, और क्या आप टॉप 6% में आप पा रहे हो या नहीं। ठीक है, तो 40 और 35% वाला क्राइटेरिया आप लोग भूल जाइए। बहुत कम चांसेस होते हैं कि 35% वाले का भी सिलेक्शन हो, ऐसे ये चांस होता नहीं है। ठीक है, तो और भी अगर कोई सवाल है जिनमें आपको कंफ्यूजन है तो आप जरूर पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर हम रिजल्ट की बात करें तो आज देखिए 15 अक्टूबर हो चुकी है, तो मे बी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 15 या 16 अक्टूबर तक जरूर एनटीए रिजल्ट फाइनल जो है वो डिक्लेयर कर देंगे हमारे साथ। तो इसी हिसाब से हम वेट करते हैं रिजल्ट का, और जैसे कोई अपडेट आता है हमारे चैनल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो ये नंबर दे रही हूँ, आप इन पर कॉल या मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। सो थैंक यू सो मच एवरी वन, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।